रायबरेली में दो बड़े ब्रांड के फ्रेंचाइजी वाले रेस्टोरेंट पर छापेमारी के दौरान यहां के काले सच सामने आने लगे। यहां ला पिनोस पिज्जा ब्रांड के आउटलेट पर छापेमारी के दौरान जहां पिज्जा में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल एक्सपायरी डेट का मिला, वही राजस्थान स्वीट जैसे ब्रांड के गोदाम में सड़ी मिठाइयां मिली। इसके अलावा राजस्थान स्वीट के किचन में होली से पहले छापेमारी के दौरान सील किए गए बॉयलर की सील तोड़कर उसे इस्तेमाल करते हुए पाया गया। दरअसल बॉयलर लेबल कमिश्नर की परमिशन के बाद ही आबादी से यहां बाहर इंडस्ट्रियल एरिया में चलाया जा सकता। यहां आबादी क्षेत्र में बॉयलर चलाया जा रहा जो आम लोगों के लिए कभी भी बड़ा खतरा बन सकता। इसके अलावा राजस्थान स्वीट जैसे ब्रांड की मिठाइयां गंदगी में पुरानी सड़ी मिठाइयों को गर्म करके नई मिठाई बनाई जा रही। सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में चीफ फूड सेफ्टी ऑफिसर ने मिठाइयों का नमूना भरकर लगभग एक क्विंटल अधोमानक मिठाइयों को नष्ट कराया है। कर रहा तुम सर, क्या कहाँ पे आए हैं, अब क्या प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे? ये CFSO साहब ने जो है जानकारी दिया था कि यहाँ पे जो है पिछले होली के समय पे कार्रवाई हुआ था और यहाँ पे मिठाइयाँ और जो है अन्य जो है खाद्य सामग्री जो है बनाए जाते हैं और यहाँ की जो साफ़ सफाई और जो है अन्य जो है चीज़ें देखने से प्रतीत हो रहा है कि जो मानक के अनुसार ये जो है खाद्य पदार्थों का निर्माण नहीं हो रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसी की जांच की जा रही, सैंपल लिया जा रहा है और उसको सैंपल जांच करने के बाद इस पर आगे जैसा भी रिजल्ट आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। शहर में और कितने ऐसे बिंदु होंगे, ऐसे और कितने लोग होंगे जहाँ पर जिनको चिन्हित किया गया, जिनके यहाँ इस तरह के सैंपल उठाए गए? खाद्य विभाग से जो है इसके बारे में जो है कहा गया है कि आप ऐसे जो है समस्त रेस्टोरेंट होटल्स और अन्य जो मिठाई की स्वीट्स की बेकरी की दुकानें हैं उसके बारे में आप सूचना एकत्रित करिए और वहाँ पे ये लगातार जो है अभियान के रूप में हम लोग चलाएंगे ताकि लोगों का स्वास्थ्य जो है उस पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। लगातार कई ऐसे मामले प्रकाश में निकल के आए, पहले उनको सील किया गया, फिर हफ्ते भर बाद उनको खोल दिया गया, ऐसे क्या कैसे चलता है? देखिए अभी तो मेरे संज्ञान में जो है इस तरह कोई नहीं आया है कि सील किया गया खोल दिया गया है। अगर कोई प्रकरण आता है तो इस पर जरूरी जो है कार्रवाई किया जाएगा और किसी को भी कानून के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा।